दादाजी के याद में और दूध सही पड़ता है, और यहाँ पे आके अगरबत्ती उगरबत्ती बालते हैं, और ये दिन बहुत मतलब साल में एक बार आता अच्छा है, होता है, अच्छा होता काफी है, स्पेशल डे है, काफी स्पेशल डे मुसलमानों के लिए, बहुत सुकून मिलता है। अपना नाम बता दीजिए। नाम है अब्दुल्ला शेख। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। उस पे नजर रखना मेरी जान, माँ कसम नजारा बदल देंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्लॉग वी आर वाज। तो गाइस आज का जो डे है मतलब 18 मार्च बहुत ही स्पेशल डे है, और गाइस हम लोग आज हम लोग का शब बारात है, शब बारात का डे है। तो आगे का सिलसिला सहरान भाई बताएंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बताओ सहरान भाई आज का। तो आज इस्लाम धर्म में एक रात होती है जो इस्लाम धर्म में मोस्ट डे माना जाता है, मत बहुत अच्छा दिन होता है कि आज हमारे बड़े बुजुर्ग लोग के इबादत में पूरी रात मतलब हर एक बच्चा मुसलमान का गुजार देता है, और उनकी राहों में पढ़ता लिखता है, उनके लिए दुआ करता है, उनके हक में दुआ करता है कि अल्लाह उन्हें जन्नत दे या जो भी, बट उनके उनके हक में पढ़ा जाता है कि अल्लाह उन्हें अच्छे से रखे और जो भी ऐसा होता है। आइए हम लोग दिखाते हैं जहाँ हम लोग पढ़ते लिखते हैं। तो फिर आज हम लोग मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस देखो कितना मतलब कितना अच्छा सजा है यार, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और गाइस हम लोग चल रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ, अब अंदर का दिखाएंगे मतलब कैसे मतलब अपना दुख दर्द बांटते हैं वहाँ पे जाकर। अभी तो ये बाहर का नज़ारा है, फिर देखो कितना तगड़ा लग रहा है। अब मेरे गांव के कुछ नौजवान ने मतलब कार्यक्रम रखे हैं, सजाए हैं, काफ़ी अच्छा सजाए हैं। देखो फिर मैं पास चलता हूँ तब दिखाता हूँ गेट के पास। यहाँ पे कब्रिस्तान के पास, और ये रहा देखो कब्रिस्तान में बैक साइड में। तो गाइस काफ़ी अच्छा लोकेशन है यार, और यहाँ पे इबादत भी करते हैं कुछ लोग, तभी तो कोई नहीं दिख रहा है। देखो शांति है, है क्या, नहीं कोई नहीं है। अभी हम लोग 11 बजे आए हैं यहाँ पे, तो फिलहाल में देखो कोई नहीं है अभी। हाँ मस्जिद में भी गए हैं इबादत करने के लिए, और यहाँ पे थे अभी, तो अभी तो चले गए मस्जिद में सब लोग। फिर गाइस हम लोग फिर दिखाते रहेंगे कब तक। गाइस देखो यहाँ पे हमारे गांव के नौजवानों ने यह सजाया, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार, काफ़ी अच्छा सजाया है, डेकोरेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। काफ़ी लंबा है कब्रिस्तान, हम लोग को वहाँ तक ले, देखो वहाँ लास्ट है मदारता तक ले, इधर भी है ट्यूबवेल तक, ट्यूबवेल तक लास्ट है, और इधर देख लो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमारे पानी भी रखा गया है यहाँ पे, जो इबादत करके आएंगे वहाँ पे जो जिसको मतलब प्यास वास लगेगा, मतलब जैसे वाटर ड्रिंकिंग करना होता है यहाँ पे आप कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। देखो यार एक्सीडेंट हुआ था, कैसा लग रहा है यार हाथ मेरा, काफ़ी ख़राब हो गया है। तो गाइस अभी अलाउ नहीं है कैमरा अंदर लाने के लिए, तो हम लोग अंदर नहीं चलेंगे, फिर यहीं से दिखा रहा हूँ मैं। देखो कितना मतलब बड़ा है, और देखो वहाँ पे भी कुछ बंदे पढ़ रहे हैं, यहीं पे आकर अपना दुख दर्द बांटते हैं। कुछ बच्चे हैं उनसे पूछते हैं क्या पढ़े हैं और कौन सा इबादत किए हैं, ठीक है। तो यहीं पे सरन भाई, तो भाई लो
क्या पढ़े हैं और बताओ भाई अब्दुल्ला बताओ दादी के याद में यहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़कर यहाँ पर हम सब लोग पढ़ते हैं यहाँ अपना दुख दर्द बांटते हैं और क्या कह रहा है अब्दुल्ला तुम ही बता दो कुछ बता भाई बता दादा दादी के याद में हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं दादी के याद में और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और यहाँ पे आके अगरबत्ती वगरबत्ती बांटते हैं और ये दिन बहुत मतलब साल में एक बार आता है अच्छा होता है काफी स्पेशल डे है बहुत सुकून मिलता है अपना नाम बता दीजिए नाम है अब्दुल्ला शेख सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम आप बताइए सलाम भाई तो यहाँ पे वही होता है कि अभी मेरे भाई साहब बताया कि यहाँ पे आके सारे लोग इबादत करते हैं और पढ़ते लिखते हैं कि जैसे कि मतलब यादों में पढ़ा लिखा जाता है लिखा नहीं जाता लेकिन पढ़ा जाता है उनकी उनको इबादत किया जाता है कि राह में जो भी मतलब दुआ सलाम हो दुरूद सलाम हो ठीक है सूरह फातिहा होता है वो भी और कुछ कुल्लू उल्लू होता है ठीक है सूरह फातिहा से लेकर हर एक चीज़ पढ़ा जाता है उनके हक में मतलब पढ़कर बख्शा जाता है कि जैसे भी हो कि मतलब हमारे तो ये कब तक चलता है कब तक चलता है रात भर चलता है मतलब कोई यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई फातिहा पढ़कर चला जाता है कोई यहाँ पे पढ़ता है कोई मस्जिद में पढ़ता है और कोई ये भी रहता है कि 3-3 बजे तक यहाँ पे जग कर पढ़ता लिखता है कि मतलब उनके हक में पढ़ा जितना भी पढ़ा जाए उतना सवाब मिलता है मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के लिए मोस्ट डे होता है 1 शब-ए-बारात का दिन ठीक है चलिए आप लोग से बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा एक बार कैमरे में हाथ लगाइए आप लोग